जूली साथ लानी है। हाँ अच्छा झूमर रह गया, कल तो ना झूमर होगा ना टीका, कल तो हाँ डिसेंट सी जाए भाई जाए। थैंक यू साथ ही। आपने किधर जाना है? हाँ आप ड्रेस ऐसे ही रख लो, अब इसके अंदर बैग में ना डालना, आप फिर नीचे से अच्छा डाल लो। हाँ सही हो गया, निकाल के तो सही हो गया, नजर ही नहीं आ रहा और वो यही हाल दोबारा होना था। 500 इकट्ठे ही 500 कि ये अगर 500 तो दे ही देंगी, और वैसे भी वो आजकल फिर कहते हैं चलो था दुपट्टा ही इसका। चलो बेबी आपने तुम्हारा भी मुंह नहीं ना लाना। अच्छा मेरे पास अब सभी आमने ही आमने मुझे दूसरी आमने, वो तो मैं फेस बनाती हूँ ना उसका, पता लगे मैं शीशे में खुद ही आ रही हूँ, उन्होंने कहना इसने खुद देखो क्या पहनना हुआ। जी अल्लाह हाफिज़ कर दो, हम दोबारा जाएंगे। अच्छा स्ट्रीक्स हुई हो ना तो फिर ही हेयर स्टाइल निकल के आता है वो तो आ नहीं जाएंगी ना हम। क्या आपने किधर जाना था? अस्तग़फ़िरुल्लाह। ओके जी, क्लाइंट का मेकअप हो गया था, हमने रेड बड़ी प्यारा रेड कलर था और वो था एसटी का, और मैं शेड भी बता दूँ, फिर मुझे लिपस्टिक बता पकड़ाना है यहाँ से, ये रेड वाली ऊपर ही नज़र आ रही है, व्लॉग में ही बता दूँ फिर याद ही नहीं रहती। इसका नाम क्या है? बेरी बाइट्स, ये है एसटी का है सेंशुअल लिप्स का बेरी बाइट्स, ये कलर बहुत ही प्यारा है, ये लगाया था शेड, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब अफान की बारी है मेकअप करने की। अफान आप क्या कर रहे हो बेबी? ये दे ओके गाइज, मैं अपने व्लॉग्स में सारे बिहाइंड दी सीन्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अपने क्लाइंट का जो काम हम ड्रेसेस या कुछ भी उनका जो काम किया होता है, अगर वो पूरा फेस शो ना करें तो पूरा फेस मैं नहीं आपके साथ शेयर करती। यहाँ पे मैंने अब शुरू किया है कि क्लाइंट के जो आई मेकअप करती हूँ उनका ट्यूटोरियल भी शूट कर लेती हूँ, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो कि आप हमें भी ऐसी आँखें बनाना सिखाएं। एक्चुअली उस टाइम पर टाइम इतना ज़्यादा कम होता है ना कि आप लोग प्रॉपरली सारा शूट नहीं कर पाते। ये भी मैंने काशीज़ के प्रेस्ड ग्लिटर्स जो डायमंड है ना उनके साथ बड़ी खूबसूरत एक लुक क्रिएट की थी। आप ब्लेंडिंग चेक करो कितनी हसीन लग रही है, और रियल में भी मेरी क्लाइंट इतनी ज़्यादा हैप्पी थी। ये 3 दिन बिल्कुल मेरे घर से ऑपोजिट, मतलब अस्करी 11 से आते नहीं है, इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करके वो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के फ़ैन होने की वजह से, और उन्हें काम भी माशाल्लाह 3 दिन इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मैंने इतनी हैवी और डिफरेंट लुक्स उनको क्रिएट करके दी थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। सॉरी मेरी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बोलने का मेरा दिल कर रहा था तो मैंने बोल दिया। आप लोग भी मुझे बुक कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों ने अगर पार्टी ब्राइडल मेकअप करवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अभी जनाब मेरा जो इतनी टफ रूटीन हुई है, मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर करूँ अपने डेली रूटीन के। घर का काम खत्म होता है तो बाहर का काम खत्म होता है तो फिर घर का काम, मतलब घर में कोई बिजी मसरूफियत होती है, कोई क्लाइंट्स को बिजी, कोई यूट्यूब वीडियो एडिट करनी होती है, और फिर उसके साथ साथ बच्चों की ख्वाहिशें, बच्चों की ज़रूरियात, और अपने भी बाजार के मेरे चक्कर ही नहीं मुकरे होते हैं। अभी यहाँ पे हम आमना के साथ जनाब अफोर्डेबल शॉप पे पहुँच चुकी हैं। मेरे पास जो भी आता है उसका सबसे पहला डिमांड यही होती है कि हमने अफोर्डेबल शॉप पे जाना है, प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो अब आमना की बारी है, हम आमना के साथ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी नई चीज़ें आई हुई थी वो देख रहे हैं। ये कुछ इस तरह से 3D प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, इनके डिफरेंट थोड़े से चंक्स भी हैं, इसके अंदर बड़े बड़े चंक्स भी ऐड थे, बड़े प्यारे से ही छोटे छोटे पॉट्स से लग रहे थे, आई थिंक 150 समथिंग इस तरह से। ओके जी, हमने इतने ज़्यादा स्वेचेज ले लिए हुए हैं, कुछ ग्लिटर्स हमने टेस्ट किए थे, बड़े मज़े के ग्लिटर्स थे, अप्लाई होने के बाद काफ़ी मैट भी हो रहे थे। सॉरी झाड़ू लगने की आवाज़ आपको आ रही होगी लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना ही है। काफ़ी ज़्यादा ब्रशेस बॉक्सेस भी बड़े मज़े के थे, लैशेस भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, तो नेल्स बहुत ही प्यारे थे, इवन के पाँव के नेल्स भी यहाँ पे मिल रहे थे, और वो इतने डिसेंट से बने हुए थे ना, लेकिन इनका जरा सा मैस सारा आप इग्नोर कर दें, मैस ही काम हुआ है यहाँ पर, मैंने फिर भी कहा आप लोगों के लिए क्लिप बना लूँ। बहुत सारी लड़कियाँ बार बार मेरे से इस अफोर्डेबल शॉप का ना एड्रेस पूछती रहती हैं, यार ये इतना ईजी है ना, जो आप पिछड़ा का एक मेन है ना, मेन से नहीं उसका जो अगला एंट्रेंस है जहाँ पे समोसे वाले और खाने वाली पीने वाली चीज़ें, और बाहर से स्टार्ट हो जाती हैं वो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं ज्वेलरी से रिलेटेड, मैं उसके साथ वो गली अंदर जाते ही आपको चौथी पांचवी दुकान मिल जाएगी इनकी ना। तो यहाँ पे इसके अलावा फिर हमने आगे जाके ज्वेलरी चेक की है, ज्वेलरी ये कलर्स जो प्राइस है ना वो इचरे में थोड़ी सी कम है, लेकिन वैरायटी मुझे लिबर्टी में ज़्यादा मिली है, लेकिन उनके प्राइसेस टू मच हाई, बहुत अच्छा हाई है, लेकिन ज़्यादा वैरायटी मुझे वहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे बंदा मैच करना चाहे ना तो हो जाते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ से भी मैच कर ही लिए थे वो स्टोरी मैं आपको नहीं बता सकती।
लेकिन बड़े मज़े की आजकल आपको पता है पर्ल्स वाले आप ड्रेसेस के साथ मैच जो है इस तरह की ज्वेलरी ले सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स में आए हुए हैं। ये मैं थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ ही शेयर करी थी। और ये भी ना बस मेन बाजार में अंदर जाते हुए स्टार्टिंग में ही राइट साइड पर 2-3 स्टॉल्स बैक टू बैक आते हैं जहाँ पर इस तरह की वैरायटी ना आपको आराम से मिल जाती है। पूरे सेट्स भी हैं इनके पास। और ये जो सॉफ्ट कलर्स आजकल, ये पीच और दूसरा जनाब ये क्या पिस्ता कलर, यार इतना ज़्यादा इन है, इतना ज़्यादा इन है ना। इसके बाद हम लोग हाफिज़ कॉस्मेटिक्स पे गए हैं और यहाँ पर नेल्स की कलेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन आपको पता है ये सारा नेल आर्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है, रेडी टू यूज़ है, मतलब आप लोगों ने सिर्फ लगाने और आपका बल्ले बल्ले। ये ब्लू वाला इतना कोई हसीन कलर था ना, ब्राइड्स को स्पेशली मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग हाफिज़ कॉस्मेटिक्स से ना ये वाले नेल्स ले सकते हो। इसके अलावा हाफिज़ कॉस्मेटिक्स पे दुनिया जहान का माशाल्लाह से सारा ब्रांड्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी क्या हो गया, हाई एंड भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स उन्होंने रखे हुए हैं और पाकिस्तानी तो सब ब्रांड्स उनके पास अवेलेबल हैं। ओके जी, यहाँ पे देखें मैं आपके साथ सब शेयर करी हूँ। क्रिस्टीन का आपको सारा स्टॉल मिल जाएगा, इसके अलावा क्लेजोना का, मेबिलीन का, मुसरत मिस्मा का, स्वीट टच का, क्रायोलोन का, काफ़ी ज़्यादा ना प्रोडक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा रेंज मिल जाती है। और यहाँ पे जो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आ गए थे, वो जो मैंने अपनी मेन वीडियो में क्लेजोना का शेयर किया है ना आप लोगों के साथ, ब्लश एंड पैलेट, वो भी मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ इतना हसीन नज़र आया था ना। ये देखें कलर स्टूडियो भी है, एमरिज है, रिवाज है, आपको जितने सामने ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं इन पर अक्सर ऑफ भी लगा रहता है बड़ा अच्छा ना। तो आप लोग हाफिज़ कॉस्मेटिक्स को विजिट कर सकते हो जो इछरा मार्केट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली नेल पेंट्स का, मेडोरा की ये नेल पेंट्स के बहुत वराइड जो है हर तरह का, आप लोग सैलून अगर ओनर हो ना सैलून वाले भी तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैंने रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट ने मैं आपको पता है मैं आपको सच्ची बातें हमेशा शेयर कर देती हूँ, तो यहाँ से हमने उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे और वही सेम प्रोडक्ट जाके उसने शालमी से लिया, तो वहाँ से उसको ना ज़रा अफोर्डेबल और ज़्यादा मिल गए हैं। तो मैं उसको कह रही थी कि यार मुझे बताना वो शालमी की शॉप का, मैं वो विजिट करके आपको वो भी बताऊँगी। अगर आपने सैलून यूज़ के लिए लेने हैं तो मैं आपको फिर शालमी ही रिकमेंड करूँगी, वहाँ से आपको ना ज़रा और ज़्यादा डिस्काउंट पर और अफोर्डेबल मिल जाते हैं। इसके अलावा हाफिज़ के साथ ही एक और शॉप थी, वहाँ से मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बनाई है, इनके पास भी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल वो हाफिज़ के साथ ही है। भाई मेरी कोई जो वीडियो होती है ना आपको पता है स्पॉन्सर नहीं होती, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ समझ में आती है मैं उस सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अगर कोई स्पॉन्सर होता है तो वह वो भी आप लोगों को पता है लहदा ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये पैसे लेके ये बंदा ये प्रमोशंस कर रही है। मेरा ये सीन होता है कि मुझे जो चीज़ पसंद आ रही हो मैं वो बता देती हूँ, जो ना सही लग रहा है मैं वो भी बता देती हूँ। इसके बाद हम लोग ओरिगा मार्केट गए थे क्विकली विजिट करने, क्योंकि यहाँ का कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, इतनी ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर आप तो लोग थोड़ा सा बस फिर लेते हो ना और थोड़ा सा सर्च कर लेते हो और थोड़ी सी बहस कर लेते हो तो अफोर्डेबल प्राइसेस में इतना कमाल का काम आपको मिल जाता है ना। अगर आप लोग हाई एंड 20-30 हज़ार का जो जोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि 20-30 का तो ज़माना ही नहीं रहा, 40-50 मैं बोलूँगी आपको, लेकिन यहाँ से आप लोग अनस्टिच लो, उसकी डिज़ाइनिंग करो और आपकी बल्ले बल्ले जानी है, पैसे भी बच जाने आप लोगों के। और ये ओरिगा है, ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर ओरिगा मार्केट में ना ये एक शॉप वाले अंकल हैं, ये काफ़ी पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आमना नहीं मुझे आमना तो अंदरून छह मतलब सॉरी गुलबर्ग की रहने वाली है, कह रही है मेरी काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ है इनका, तो ये अंकल काफ़ी पुराने हैं, मतलब 15-20 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इनकी जूतियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, हमें जाते ये वाली दो पसंद आ गई, एक वो जो ट्रांसपेरेंट आमना को आ गई और एक गोल्डन सी थी वो मुझे आ गई। ये देखो ये ट्रांसपेरेंट, और आई थिंक ओनली 2000 के वो अपने मुँह से कह रहे थे, और बहुत अच्छी बनी हुई थी, इतना कम्फर्ट लेवल था ना इसका। आपको पता है किसी भी ब्रांड पे जाके अगर जूती देखते हैं तो 5-6 हज़ार से कम के तो मिलनी नहीं है। तो यहाँ पे आमना इसको पहन के भी देख रही है, फिर आमना ने ये वाली ले ली थी और मैंने एक दूसरी ली है। इनके पंप्स भी बहुत अच्छे थे, पंप्स भी फिर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन हमने फिर वो छोड़ दी और ये जूती ले ली। जूती कम्फर्ट लेवल भी बहुत अच्छा है और प्यारी भी बहुत ही, पता ट्रांसपेरेंट जूतियों का वैसे ही इतना ज़्यादा ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं फिर डिटेल में थोड़ा सा स्लो करके आपके साथ सारी जूतियों के स्टाइल्स, बहुत ही प्यारे थे। और ये जो ब्लैक के साथ एक गोल्डन सी है ना जिसके ऊपर डबल लाइन, ये आजकल बहुत ही स्टाइल इन हुआ है, मतलब गलों पे भी ना लड़कियों ने इस तरह के स्टाइल्स बनाए हुए कि डबल लाइन ना, तो मैंने मुझे ये वाली फिर बहुत पसंद आ गई तो मैंने वो वाली फिर ली थी। अभी शायद पहन के आगे दिखाऊं भी, ये मैं उसको कह भी नहीं हूँ कि मैंने ये वाली लेनी है। मुझे ये जूती इतनी, और ये थी भी ओनली 1500 की, और इसकी जो डबल लाइनिंग थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो अफोर्डेबल भी, और मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई भी जो ये फैंसी जूतियाँ होती है ना ये बिल्कुल भी बाय नहीं करती, क्योंकि पहनी तो जाती नहीं है। और मेरे पास जो पुराने ज़माने की अपनी पड़ी हुई है ना, मैं हर शादियों पे हर आने जाने जगह पे बस वही पहनती रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये सस्ती भी और 50 और कंफर्टेबल भी थी पहन, मुझे सबसे पहले जूती का कम्फर्ट मैटर करता है, अगर मेरे पाँव में कम्फर्ट ना हो, मुझे चलने में मसला करे, फिर मैं वो जूती ले ही नहीं सकती, पहन ही नहीं सकती। तो ये जूती मुझे पहनने में बड़ी ईजी लग रही थी।
फिर मतलब ना चाहते हुए भी ले ली क्योंकि लेनी नहीं थी, किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी ले ली। इसके अलावा ये जो अगला पंप आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमें इतना ज़्यादा पसंद आया था, इतना ज़्यादा, और ये ओनली 1500 का है और इतना सॉफ्ट है। और फिर हमने ये ले भी लिया था, लेकिन वो किसी और ने लिया और उसको वो बहुत ही पसंद आया था। इसके अलावा ये थोड़ी सी डबल सोल वाली ये जूतियाँ मुझे पसंद नहीं आई थी। ये डबल सोल अगर आपने जूती लेनी हो ना तो ये अलमास से आप लोग लेना, अलमास की सबसे कम्फर्टेबल है। मैंने वो ली भी हुई है, लेकिन शायद वो कभी आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं किया। चलो पक्का इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी भी मैं एम्पोरियम गई ना तो अलमास का मैं व्लॉग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वो मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड है और उस पर जब ऑफ लग जाता है ना तो मैं कहती हूँ आपको कमाल की चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। वैसे तो उनकी जूतियाँ थोड़ी सी प्राइसी होती हैं, लेकिन उन पर अक्सर ऑफ लगा रहता है। यहाँ पर मैंने कहा मेरी भी जूतियों की तरह थोड़ा सा वीडियो बनाओ दोनों पहन के कैसी लग रही हैं। और आप लोग ठंड का आलम चेक करें कि हम लोगों ने ट्रैक सूट पहने हुए हैं, क्योंकि सर्दी में मुझे ये मसला हो गया कि यार मैं कोई भी किसी भी तरह का स्टफ शलवार कमीज पहनी हूँ तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। या वो मैंने आदत डाल ली अपने आप को स्वेट शर्ट्स और गर्म चीज़ें पहनने की, तो मैं तो पहन ही नहीं सकती इसके अलावा कोई चीज़। तो मैं तो हैरान हूँ कि मैं सर्दियों के, क्योंकि जो खद्दर या वो स्टफ़ है ना मुझे बहुत गंदा लगता है पहनने में, बहुत ही गंदा लगता है। तो खैर यहाँ पे ये जूतियाँ हम लोगों ने दो फाइनल कर ली हैं। इसके अलावा मैं कितना नॉन स्टॉप बोलती हूँ यार, कितना नॉन स्टॉप बोलती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। अरे ये वाले पंप्स का स्टाइल देखो कितना क्यूट है, मतलब फैंसी भी बहुत ही कमाल की थी और दूसरी भी ये अंदर से भी इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी मेकिंग है। ECS के कोई मैन्युफैक्चरर हैं जो इनकी जूतियाँ बनाते हैं, तो वो बहुत ही कमाल की ना इनकी जूतियाँ बनी होती हैं। तो आप लोगों के साथ जरूर, और भी वहाँ पे स्टॉल्स हैं, लेकिन ये वाले जो अंकल हैं थोड़े से बड़ी उम्र के, इनका कॉर्नर पे है सामने बिल्कुल ऑपोजिट, इनके शॉल्स की दुकान है। बस ये मैं आपको बताऊँगी बार बार ना, आप लोग मुझे पूछना ठीक है, खुद ही वहाँ पर ढूंढ लेना, ऑपोजिट इनके शॉल्स की दुकान वाला है, बस ये निशानी आपको बताऊँगी ठीक है। क्योंकि मुझे इतना ही याद है, मुझे इतना कोई खास ऐसा याद नहीं है, बिल्कुल शॉप नहीं है, बस कॉर्नर पर ना इन्होंने अपना स्टॉल सा ही बनाया हुआ है। ओके जी, जूतियाँ हमारी फाइनल हो गई हैं। पंप भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन हमने फिर इसमें ग्रे कलर में किसी और को मैंने लेके दी हैं। आमना ने फिर ये छोड़ दिए थे, इन्होंने हाली वो ट्रांसपेरेंट वाली जूती हमने ले, ये जो ग्रे कलर है ना ये भी पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके अलावा जनाब सादी जूतियाँ भी मिल जाएंगी और सस्ती भी है ना, मतलब अफोर्डेबल है। ये वाला स्टाइल देखें जूतियों का कितना प्यारा लग रहा है। बस यहाँ तो हम जूतियों से ही नहीं भर के पा रहे, कितना ज़्यादा मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करी जा रही हूँ इसका। ओके जनाब, नेक्स्ट भी कोई क्लिप आने वाला है कि नहीं? अच्छा, ये मैंने फिर इनकी शॉप का नाम देखे, किट शॉप बस इस तरह करके कुछ थोड़ा सा मैंने कहा मैं क्या बताऊंगी व्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को पता है ये वाली जूती मुझे इतनी पसंद आई थी ना, थोड़ी सी हील भी है और साइड पे इसका इतना प्यारा सा वो लगाया हुआ था ना। और अगर किसी को डबल सोल पसंद है, ये वो हमें अंकल बस बस यही बताई जा रहे थे कि हमारा ECS के लगे हुए हैं सारे। मैंने कहा जी अंकल नज़र आ रहा है आपकी जूतियों के मैन्युफैक्चर से ही नज़र आ रहा है। इसके बाद हम थोड़ी सी और शॉप जो है विजिट कर रहे हैं। अच्छा, ओरिगा का जो अनस्टिच कपड़ा है ना वो मैं सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगी। अफोर्ड मतलब 1600 में 2 पीस मिल रहे हैं, आप अपनी रेंज के मुताबिक भी ले सकते हो, और 3500 में मिल जाते हैं, 5000 में मिल जाते हैं, आप लेस करके भी आपको अच्छे ऑप्शन में मिल जाते हैं। और एक शॉप हमें मिली थी अंदर जाके ना, वैसे पठान की थी, पठानों की, वैसे तो ज़्यादा मार्केट पठानों की है, लेकिन उसका एक्चुअली कोई नाम वगैरह मुझे सच याद नहीं है, लेकिन उनकी वैरायटी सबसे ज़्यादा कमाल की थी। मे बी मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उनके क्लिप्स शेयर कर दूँ। उनसे ही हमने काफ़ी ज़्यादा ड्रेस पसंद भी कर लिए थे, और वो बहुत ही कमाल की डिफरेंट हट की चीज़ें थी, मतलब आप लोग उनसे ना आराम से मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लीलन स्टफ भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा, और लीलन के अलावा एक जो स्मूथ सा शाइन सा ना होता है, क्या बोलते हैं, रेशमी टाइप सा होता है, लेकिन रेशमी भी नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, मतलब ये वही वाला स्टफ करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ जो मुझे बड़ा पसंद आता है। मैक्सीज में आप पसंद लॉन्ग जो शर्ट्स हैं या मैक्सीज उनकी बड़ी अच्छी लग सकती हैं, आप वो बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी रेडीमेड शर्ट्स भी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, नॉट बैड, लेकिन हम मसला ये था हमने लेना कुछ नहीं था, तो बस हम दूर दूर से थोड़ा सा मैं व्लॉग बना रही थी, और इतना ज़्यादा कोई खास रश भी नहीं था ओरिगा में आज। लेकिन आजकल आपको पता है जैसे शादियों का सीज़न है तो काफ़ी रश रहता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शादी का सीज़न जो आप कपड़े लेने कहाँ से प्रेफर करते हो। मैं सीरियस बताऊँ, मुझे इच्छरा जो मार्केट है ना उसके कपड़े कोई इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, मुझे वहाँ का स्टफ़ पसंद नहीं आता, वहाँ का ना काम पसंद आता है। अगर आपको थोड़ा मोड्स कोड थोड़ा लेटेस्ट लेना है तो आप लोग ओरिगा ज़रूर विज़िट करना। अब दोनों जैसे ये दोनों आप शर्ट्स देख लो, शायद ये किसी हमने एक शॉप में विजिट किया था, तो इनकी यहाँ पे कपड़ा 2 पीस हैं और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल थी, लेकिन काम आप चेक करो कितना मज़े का लग रहा है ना, थोड़ा सा हटकर है। और लिबर्टी में भी जो काम है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लिबर्टी मुझे ज़्यादा तरीन मतलब एक्सपेंसिव लगता है। मैं ये आपको शॉप बता रही हूँ कि वहाँ मेन से आएँ तो आप यहाँ पर इस दुकान पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये मेरा हाल है। इसके साथ ही ये थोड़ा सा लीलन वाले डिफरेंट स्टफ़ के जो आपको ओवरऑल भी बना सकते हो, 2 पीस भी बना सकते हो। इसके अलावा हमने कहा एंड में बहुत फिर एंड टर्न हो गया, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, और ये यहाँ की कोई बेस्ट जो है इनकी क्रीम चाट है वो ट्राई की है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसके साथ ही इनकी एक चिप्स हमें बहुत ही मज़े की लगी थी,
तो बस जनाब पेट पूजा करेंगे और फिर हम घर भागेंगे। और होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने ओरिगा विजिट किया हुआ या नहीं। आप लोग जो मुझे देखते हो कहाँ कहाँ से देखते हो अपना लोकेशन ज़रूर मेंशन करना, लाहौर से देखते हो कहाँ से देखते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर की ज़्यादा चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और अगर कभी मैं इधर उधर जाती हूँ तो वो चीज़ें भी मैं आपको, ये जो है ना अनमेरिड बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मुझे फ्रॉक्स बहुत अच्छी लगी थी, अच्छी सिली थी, स्टफ भी अच्छा था और प्राइस भी बड़ी अफोर्डेबल थी। जो मैरिड हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा ही बस इनकी फिटिंग्स का मसला रहता है, लेकिन ना अनमैरिड जो स्मार्ट लड़की है ना, मुझे इनके लिए तो ये ऊपर से ओवर नीचे से वाइट था और ऊपर से छोटी छोटी चीज़ ना ओवर वो बनी हुई थी, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। इसके अलावा जो जूतियों का स्टॉल था ना वो मुझे पसंद नहीं आया, उनकी जूतियाँ देखने में मतलब इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं लग रही थी। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे बस एंड कर देते हैं, अभी हम भाग रहे हैं घर। आप लोग व्लॉग को भी ना एक लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो और पूरा ही देख लिया करो यार। मैं इतनी मेहनत से इसके क्लिप्स बनाती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, उस पर कभी कभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, कभी कोशिश करती हूँ कैसे ही बना लूँ। तो बस ये जनाब मेरी रूटीन होती है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।